हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थन रेलवे ने जो वैकेंसी आपकी निकाली हुई है, रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 मल्टीटास्किंग स्टाफ केटरिंग इन कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थन रेलवे में, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको लिंक मिलेगा jobrasta.com का, वहां पर जाकर फ्रेंड्स आप इसकी सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो फ्रेंड्स 15/10/2019 आपकी रहने वाली है। साथ में फ्रेंड्स जो एज लिमिट है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है और साथ में आपको इसकी जो LGT है वो आप चेक कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन को आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में ही पढ़ सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। आप क्लिक करेंगे इस रजिस्ट्रेशन टैब पर और फ्रेंड्स आप पहुंच जाएंगे इसके होम डेस्क पर। यहां पर देखिए आपको कुछ स्टेप दिए गए हैं। पहला स्टेप आपके एप्लीकेशन फॉर्म का है, सेकंड स्टेप आपके पे एग्जामिनेशन फीस का है, थर्ड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स और फोटो साइन एंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, उसके बाद है फ्रेंड्स प्रिंट जो आपका पेमेंट स्लिप है वो आप यहाँ पर अपनी पेमेंट स्लिप है जो आप पेमेंट करेंगे वो निकाल सकते हैं और आपका जो प्रिंट एप्लीकेशन है वो आप कंप्लीट करके अपने पास रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेप फर्स्ट के लिए, जो कि इसका सबसे इनिशियल और पहला जो पार्ट है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और आप इस क्लिक हेयर वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे क्योंकि बाकी के ऑप्शन अभी आपके यहाँ पर ओपन नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपका स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ एंटर करना है पोस्ट अप्लाइड फॉर का सेक्शन। यहाँ पर देखिए आपको दो सर्विस साइड एक कुकिंग साइड आपको दी गई है, आप जिसमें भी एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं उस सेक्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो आपको एंटर करना है। तो फर्स्ट नेम जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यदि आपका मिडिल नेम लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर फिल करें, नहीं तो इनको ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं। सेम यही चीज़ फ्रेंड्स आपका जो फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर उनका फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम लास्ट नेम यदि है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ जेंडर का ऑप्शन है, आपका जो भी जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी कम्युनिटी है, जनरल, OBC, SC या ST, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। SC कैटेगरी या फिर आप सेलेक्ट करते हैं ST कैटेगरी तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको फी रिलैक्सेशन का। आप यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको ऑप्शन जो भी दिया गया है SC, ST, एक्स सर्विसमैन, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पर डिफ्रेंस आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नो का, जिसके लिए आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं मिलता है, आप यहाँ पर इसको नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर कैटेगरी का। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपको कैटेगरीज दी गई हैं, एक्स सर्विसमैन, PWD या फिर EWS या फिर डोमिनशियल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद विडो कैटेगरी, CCN, रेलवे स्टेट फ्लेमेंटर या फिर आपका अप्रेंटिसशिप है, तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि इनमें से किसी में भी आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप यहाँ पर नन ऑफ द अबव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपकी यहाँ मेल आईडी का। तो आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो फ्रेंड्स आप इस सेक्शन में फिल करने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर का है, तो आपका जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स ऑप्शन जो है वो है आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेक्शन का, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी एज है जो कि 1/1/2020 को काउंट होने वाली है वो आपको नीचे शो करेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एड्रेस सेक्शन है, तो आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो आप यहाँ इस सेक्शन में लिख सकते हैं, इस फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में। तो आपका एड्रेस बड़ा है तो आप बड़ी 3 लाइन में एंटर कर दीजिए, यदि छोटा है तो आप 1 या 2 लाइन में एंटर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप किस स्टेट के निवासी हैं, तो आपका जहाँ पर भी आप इसका डोमिनशियल है आपका वो आप यहाँ पर स्टेट को चूज कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका सिटी का ऑप्शन है, तो आपकी जो भी सिटी है वो आप यहां सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पिन कोड है, तो आपका जो पिन कोड है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके रिलीजन का, जिसमें फ्रेंड्स आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी नेशनलिटी यहां पर आ जाएगी। इसके बाद है बॉडी मार्क का ऑप्शन, तो यहां पर देखिए आपको 2 बॉडी मार्क यहां पर एंटर करने हैं, तो आपका जो भी शरीर पर विजिबल बॉडी मार्क है वो फ्रेंड्स आप दे सकते हैं। और यदि मान लीजिए कोई भी नहीं है तो आप दोनों में ही नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। नीचे आपसे कहा गया है नोट सेक्शन में जो मोल है वो है बॉडी मार्क नहीं है इनके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर उनकी एंट्री करना चाहें तो कीजिए, नहीं तो आप इनको वैसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं नो मार्क करने के बाद। इसके बाद है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो आपके पास जो भी रेलवे स्टेशन है आपके पास सबसे नियरेस्ट वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और यदि फ्रेंड्स आप एम्प्लॉयड हैं एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU में, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और यस करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है NOC बाद में देनी होगी कि आपने जो वर्क करते हैं उसके लिए NOC आप वहाँ प्रोवाइड कराएंगे। यदि आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो मैंडेटरी है वो 10th क्लास है। इसमें फ्रेंड्स आपको बोर्ड का नाम आपको यहाँ दिया गया है, तो सभी बोर्ड के नाम आपको मेनली यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके मार्क टाइप का। तो यहाँ पर देखिए आपका मार्किंग सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और आपकी परसेंटेज आप यहाँ फिल करेंगे। ये तो हो गई आपकी 10 डिटेल। यदि आप इसके अलावा 10+2 या ग्रेजुएशन या फिर इसके अलावा कोई अदर डिटेल आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आराम से उस डिटेल को फिल कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ 10th क्लास पास आउट हैं आप, तो आप सिंपली 10th से भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो व्यक्ति, जो भी कैंडिडेट अगर यहाँ पर जो है आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को शो करना चाहता है, तो सेम वही अपना जहाँ से बोर्ड अपना जो भी है उनका, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बोर्ड आप यहाँ पर जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करनी है, आपका मार्किंग सिस्टम आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको आपके जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन का। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक है आपका ITI का, जो कि फूड बेवरेज या फूड बेवरेज एंड गैस सर्विस के अंदर आपने किया हुआ हो, या फिर आपके पास कोर्स हो फूड बेवरेज सर्विस का जो कि SDI अप्रूव्ड बाय NCVT हो, और एक है आपका ट्रेड डिप्लोमा। तो इनमें से ही जो में भी आपने कोई कोर्स किया हुआ है वही यहाँ पर एलिजिबल है, वही डिटेल आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपने किस इंस्टीट्यूट से इसको किया है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर आपने इसको कब पास किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट डेट है वो आपको मेंशन करनी होगी कि आपकी जो इसे कंप्लीट हुई है वो किस डेट पे हुई है। तो आपके जो सर्टिफिकेट है आपके पास उस पर जो भी डेट आपकी मेंशन है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप सभी डिटेल को यहाँ फिल कर लेंगे, आराम से धीरे धीरे आप एक बार इन डिटेल को चेक कर लें। कोई भी गलती अगर आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी सेक्शन में नहीं मिलती है आपको, तो फिर फ्रेंड्स आप यहां से इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा, आर यू श्योर वांट टू रजिस्टर एज नो एडिट अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो मैं आपसे दोबारा कहूंगा आप आराम से इसको चेक कर लें। कोई भी गलती अगर आपको नहीं मिलती है तो ही आप यहां पर ओके करें, और इसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ही फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस का। आप यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपको क्लिक हियर का, आप यहाँ से इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका कंफर्मेशन पेज है, जिसमें आपको सभी कंफर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका अमाउंट, आपका डिस्पेक्टिव सभी आपको यहाँ पर शो किया गया है। आप यहाँ पर इस सबमिट टैब से आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड का, या फिर डेबिट कार्ड का, या नेट बैंकिंग का, या डेबिट प्लस ATM का। तो आप डेबिट या नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, और यहां पर आपको कार्ड नंबर, कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है, कार्ड का जो CVV नंबर है, और नेम ऑन द कार्ड जो है वो आप यहां पर डालकर पेमेंट यहां पर कन्फर्म कर सकते हैं। बात करें अगर नेट बैंकिंग की, तो फ्रेंड्स आप यहां से जो है आपके बैंक को चूज़ करके भी यहां से पेमेंट को कन्फर्म कर सकते हैं। पर मैं आपसे कहूंगा कि देखिए साइट अभी इसकी सर्वर थोड़ा डाउन चल रहा है, अगर आप राइट में थोड़ा रात में अगर इसको ट्राई करें या मॉर्निंग जल्दी में अगर ट्राई करें तो हो सकता है आपका पेमेंट ना अटके, क्योंकि इस समय चांसेस क्या है अटकने के हैं, क्योंकि सर्वर इसका बहुत स्लो काम कर रहा है। क्योंकि हो सकता है आज ही फॉर्म स्टार्ट हुआ है इसलिए थोड़ी वर्किंग इसकी स्लो है, हो सकता है कल से ये वर्किंग इसकी सही हो जाए। और जैसे आप एक बार फ्रेंड पेमेंट यहाँ कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें आप फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट, फोटो, साइन एंड थंब इंप्रेशन को अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इसके बाद में बारे में बाद में, जैसे ही हम इसकी पेमेंट की जो है कंफर्म एक बार कर लेते हैं। और फ्रेंड्स यहां तक आप इस अपने सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, और यहां तक की जानकारी के लिए या इस नोटिफिकेशन डिटेल के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर इसकी सभी डिटेल आपको मिल जाएंगी। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप इसको अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको आप आराम से जरूर पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कीजिए, और यहां पर एक बार आप सबमिट करने से पहले इसको 2-3 बार चेक कर लें, जिससे आप आगे की प्रोसेस को आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की रेलवे RRC NR की वैकेंसी के बारे में। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए A24 नॉलेज। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।